मेरा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने लिख दिया है 9 महीने की प्रेगनेंसी में। मेरा लास्ट मंथ चल रहा था, डॉक्टर ने लिखा था अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने नहीं करवाया। और फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा जाकर, तो उन्होंने बोला अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो जाके अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। तो ये देख लीजिए, डॉक्टर ने लिख दिया है, अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा मेरा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी होना होता ना तो डॉक्टर ऐसा ना बोलते। मुझे थोड़ा अंदर से डर सा भी बहुत लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट सारा कुछ देती रहूँगी। और दूसरी चीज़ें ये देख लीजिए, फिर डॉक्टर ने जो लिखा अंदर से अल्ट्रासाउंड, ये वो रिपोर्ट है। डॉक्टर ने लिखा कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, और जो कुछ भी होगा देखते हैं क्या क्या होता है। और फ्रेंड अभी मेरी डेट मतलब कि, और अभी उस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, अभी सोच लो 1 हफ्ते का डेट दिया है। अब 1 हफ्ते में क्या मैं कितनी परेशानी और कितनी दिक्कतों से गुजर रही हूँ मुझे पता है। मेरा दिन रात इतना दिन तो मेरा सही गुजर जाता है। मेरे फेस पे स्वेलिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मेरे चेहरे पे सूजन है। ये पूरा सूजन ये क्यों है पता है आपको? रात को मैं सोती नहीं, पूरी रात जगती हूँ। पूरी रात जगने का वो है फैन, पूरी रात जगती हूँ। आज 3 दिनों से मैं सो नहीं रही हूँ, दिन में तो सोती नहीं हूँ और रात को भी पूरा जगती हूँ, पूरी रात जगती हूँ। तो ये उसकी वजह से पूरे चेहरे पे स्वेलिंग, आँखों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, पैर पूरा सूज रखा है। ये देखो आप लोग दिख रहा है, देख लो पूरा पैर में सूजन आ चुका है। मतलब कि बहुत परेशानी, दिन तो मेरा गुजर जाता है जैसे पेन, कुछ नहीं होता है। बेटा बेटा वहाँ पे ये नहीं लेना है, पेन तो कुछ नहीं होता है। बस रात को मुझे क्या होता है कि मेरे पैरों में इतना दर्द होता है कि इंसान जैसे सोच लीजिए एक पेशेंट की मतलब क्या, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरा। ऐसा हाल होता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत बुरा हाल होता है। जिस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ ना रात को, आज की रात की बात बता रही हूँ, पूरी आधी रात तक तो पहले पैरों के दर्द, उसके बाद मतलब कि अजीब पेन होता है, ये साइड से पता नहीं क्या पेन होता है। ऐसा मुझे रपरीत के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हाँ, कमेंट ये आता है कि इसका लगता ही नहीं 9 महीने हो गए, या फिर ये प्रेग्नेंट है, या फिर कुछ और है ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, ये कमेंट आता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो हिम्मत बांध के इसलिए रहती हूँ, मेरे पास छोटा बच्चा है, फिर भी खाना बनाना इतनी गर्मी। कल की सिचुएशन मेरी ऐसी थी ना, मैं जानती, मेरा दिल जानता है खाना, अब पता ही क्या होता है खाना नहीं खाया जाता है, फिर भी देख लो मेरे आँखें कैसे। आंटी है यहाँ पे एक, जो कि जब भी मिलेंगी मुझे कहेंगी कि कुछ खाया करो, तुम्हारे आँखें अंदर चली जा रही हैं, पूरा एकदम जैसे लग रहा पता नहीं क्या हो जाएगा। लास्ट मंथ चल रहा, थोड़ा ताकत रहेगा तभी ठीक रहेगा। लेकिन मैं तो चाहती हूँ भगवान, ऑपरेशन हो चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सब में दिक्कत इंसान को उतनी होती है। लगता है कि ऐसे नॉर्मल डिलीवरी आसान है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी आसान नहीं, कितने कितने दुखों से गुजरना पड़ता है। जिसकी होती होगी उसको पता हो कितना पेन होता है, कितने दुखों से गुजरना पड़ता है। चाहे पेट में कट लगे चाहे नॉर्मल डिलीवरी में कट लगे, कट तो लगना ही लगना है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ आसान हो। कमेंट आके कर देते हैं, लगता ही नहीं हमको तो चला नहीं जाता, हमको तो ऐसा नहीं। सबकी सब सिचुएशन होती है, मेरी भी सिचुएशन इतनी ख़राब, मैं आके बोलती हूँ कि मेरी बात कोई मानता है? नहीं मानता कोई, शायद ही है जो मुझसे प्यार करते हैं उन लोग समझ नहीं, तो ऐसे कोई मानता ही नहीं है मेरी बात। मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, क्या है नहीं है, मैं बोलूँगी तो कहेगी झूठी बोल रही है, ये झूठी बोल रही है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे पता है। और मेरे पे जो बीत रही है, मेरे शक्ल से पता लग रहा हूँ, मेरा ऐसा चेहरा भवाया भवाया चेहरा मेरा कभी नहीं था। अब मेरा चेहरा इतना गंदा सा, इतना अजीब सा, हाँ इतना अजीब सा मुझे खुद लगने लगा है कि मेरा चेहरा कितना गंदा लगता है और मुझे मुझे इतना बुरा फील होता है ना, मैं मुझे पता है मुझे ठीक है, गिर जाएगा इधर ये ले, कितना बुरा फील होता है ना मुझे पता है, लेकिन कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझ सकता है। ठीक है, छिछी नहीं है वो, भर दे जाके उसमें वो भर दे, ठीक है।
और ये घर संभालना, खाना बनाना, बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है खुद पता होगा। लेकिन जिनको कमेंट करना हो तो कर ही देंगे, जिसको जो कहना है, जो लिखना है, जो बताना है, जो सुनना है, वो सब कुछ लिख देंगे, उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे पता है ना मैं किस सिचुएशन से गुजरती हूँ। अभी जो हालात मेरी है ना, चाहे मेरे हस्बैंड ने जो मेरे इस टाइम पे मेरे साथ किया, ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसलिए नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि फैन स्टार्टिंग था, रोहन जैसा चला गया, चलिए मेरी गलती की वजह से चला गया था, तो ये सब चीज़ें भूलने वाली चीज़ें आप लोग बताओ। बहुत बुरा वक्त मैंने अपना काटा, मैं यहाँ से बिहार तक गई, अकेले गई अपने बच्चे को लेके, कैसे बहुत सी, चलो वहाँ गए सब कुछ अच्छा था। बस यही है कि इंसान की ज़िंदगी कितना मतलब कि वो हो सकता है। तो यही सारे बुरे और अच्छे इस वक्त का हर एक चीज़ याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखेंगे। और इस प्रेगनेंसी मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, इतना बुरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि मेरे समझ और अंदाज से ही बाहर है पूरा, मतलब कि ऐसी हालत मेरी हो गई थी ना और हो रही है कि मैं जानती हूँ मेरे साथ कितना मतलब कि अजीब और कितना वो हो रहा है। दिन गुजर जाता है, रील बनाने जाऊँगी, 2-3 रील वीडियो बना ली, उसके बाद मेरे साथ ऐसा होने लगता है, मैं कोई रोज़ रील वीडियो नहीं बनाती, मैं एक दिन बनाती हूँ, उसी रील को कई दिनों तक का अपलोड करती रहती हूँ, ऐसे करती हूँ। पर अब ये क्या है, कपड़े चेंज कर कर अब क्या है, एक रील वीडियो बनाती हूँ, 2 मिनट जो भी वो 5-10 मिनट कपड़े पहनूंगी, चाहे मुझे कपड़े पहनने के लिए मुझे अंदर से चिड़चिड़ी सा होता रहता, लेकिन फिर भी सोचती हूँ इतना मेहनत करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और थोड़ी सी चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करूँ। बस सही है, अब सोच लो आप लोग अभी कितना टाइम बच गया है। अब वो तो मैं अब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, इसलिए नहीं बोलने वाली क्योंकि किसी को विश्वास तो करना ही, क्योंकि मैं तो पेट में कपड़ा भर के रखती हूँ, तो इसलिए इसका तो कोई डेट ही नहीं होगा। जब मन हो कपड़ा निकाल देंगे तो मैं बता दूँगी आके। चलो मेरे बच्चे के लिए भी बहुत लोगों ने गलत बोला, खैर वो भी मैं इतना वो नहीं करती हूँ, मैं बस ये सोचती हूँ चलो इसने जो बोला उसने अपने लिए बोला, मेरे लिए किसी ने भी नहीं बोला। बाबू छिछी कर ले तो वहाँ पैसे पकड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी, करा नहीं। और आप लोग खुद देख सकते हो फैंस, खुद मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा चेहरा ऐसा कभी दिखा है जैसा अभी दिख रहा है। ये सब ना आँखें सूज रखी हैं, पूरा सूजन आ रखी हैं, ठीक है, पैर पूरा सूज रखा है। अभी सुबह उठी हूँ, ब्रश किया है मैंने, ठीक है, इतना बुरा हालात है। अभी मुझे जिस तारीख को बुलाया है डॉक्टर ने, अभी मुझे जाना पड़ेगा, आज तो 19 तारीख हो गया, अभी हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बहुत सी चीज़ें मांगे हैं, सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि अगर इंसान का एक बार नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो दूसरा भी नॉर्मल डिलीवरी होगा, दूसरा सीजेरियन भी हो सकता है, क्योंकि समय, सिचुएशन, टाइम, वक्त का कुछ पता नहीं लगता है कि इंसान का समय कब ख़राब हो जाए, कब वक्त बदल जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए, इसका कुछ ही नहीं पता। क्या म्याऊ है, म्याऊ है, और एक तो ये पूरी रात ये भी नहीं सोता, अब इसको फिर पता नहीं पहले जैसे क्या होने लगा, छिछी नहीं करेगा। हाँ फ्रेंड्स, एक कमेंट ये आ रहा था कि रप्रीत को वॉशरूम में बैठाया करो, आप लोग को बताना मैं भूल गई, सांप का इतना ज़्यादा वो आ रहा है, इतना
छोटे छोटे सांप, छोटे बच्चे वाले भी होते हैं, वो लैट्रिन में बहुत जैसे कीड़े कीड़े, तो इसलिए फैन चली हमारी तो मजबूरी होती है। ठीक है, हम तो बड़े हैं, वो कहीं बच्चे को हम वॉशरूम में बैठा दें और उसके बाद हम वहाँ से चले आए, फिर दिक्कत हो जाएगी। और प्रीत के पास वो भी है पोटी करने वाला, लेकिन ये ना जल्दी इसमें करता नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर आके यहाँ पे करता, तो उसको उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, उठाने के लिए वो है खुरपा जैसा मैंने बना रखा है, तो उठा के मैं फेंक देती हूँ इसको। वॉशरूम में इसलिए नहीं बैठाते, अभी आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो, इतना देख रहे होगे कि वॉशरूम में खास कर निकल ही रहा है। ठीक है, अभी इतना इधर जंगल है देखो आप लोग। चलो, यहाँ तो मैं साफ़ सुथरे में बैठी होती हूँ, पोटी कराती हूँ, उसको वॉश कराती हूँ, लेके चली जाती हूँ वॉशरूम में, तो बच्चों को नहीं। रात को फैन वॉशरूम जाती हूँ ना, पता नहीं लाइट पहले तो जला कैसे, फिर वो पहले तो बाहर जो लाइट लगी वो, फिर एक छोटा लाइट होता है, नहीं तो फोन जला के अंदर जाना पड़ता है। और जंगल एरिया हमारे यहाँ का वॉशरूम ऐसा, और ये जो जगह है ये वॉशरूम के नीचे, और यहाँ पर ऐसा हो सांप ना निकले तो हो ही नहीं सकता। क्या क्या दिखा रहा है, क्या रात को क्या होता है तुझे, हैं रात को क्या होता है, क्या होता है रात को, क्या होता है रात को, रात को क्या होता है, वह वह करके थोड़ी देर सोएगा, पेट पे सोने की गंदी हरकत सीख रखा है, पेट पे सोने वाला कौन सा लगेगा पेट पे तुझे, हैं क्यों सुलाऊं तुझे पेट पे, हैं बता बता जल्दी, तू बता, तू बटो ना, तू बटो तो क्यों नहीं। अच्छा जा जा, चल चल चले, ढक्कन उठा कर लेके आ, वो ढक्कन उठा, चल खाना खुना बनाए, खाना भी कल से फैन सही से, कल दिन से खाना नहीं सही से बनाया, इतनी तकलीफों में, ऊपर से इतनी गर्मी, माय गॉड कहाँ है फैन, अब की गर्मी इतनी है इससे ये पता लगता है, जैसे कि जो हमारे बगल में आंटी रहती थी, ठीक है, वो भी पंखे में ही सोती थी, एक टेबल मतलब नीचे वाला स्टैंड वाला फैन होता वो था, चल इधर इधर, हाँ एक स्टैंड वाला फ़ैन होता है, एक ऊपर वाला वो था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि मजबूरी में उन्हें भी कूलर ख़रीदना पड़ा। और इससे ये पता लगता हमने कूलर ख़रीदा, उसके बाद मेरी हालत इतनी पस्त होती है कि बता नहीं सकते, तो इसे साफ अंदाजे में लगता है कि मतलब गर्मी बहुत थी, थी नहीं है बटू ना ना ऐसे गंदी बात, चल चल वो ले क्या, मैं उनको भगा गया पहले, फिर चलेंगे घूमने। वो तो यहाँ पे जानू ने घास घूस सब साफ कर दिया, छोटा बच्चा हमारा ही है, घूमेगा फिर कुछ काट कूट लिए, मैं भी ब्रश वगैरह के बाहर ही बैठ के करती हूँ, घर में तो मैं कभी उधर जाके तो करती नहीं, इतना गंद गंद सा होने लगा ना जिसका कोई हिसाब नहीं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी हो। अब डॉक्टर जो यहाँ पे पास में थे, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, अगर अंदर कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकेगी, ऐसा होता बच्चा कभी उल्टा हो जाता है तो भी सीजेरियन से होता है, ये वो सब कुछ होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने देखी अपनी आँखों से, जो मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और कुछ बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। बुरा इतना वक्त चल रहा है ना कि बता नहीं सकते, कैसे भी करके समय कट जाए, बच्चा हो जाए फैन फिर तो ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा फैंस की, पेट से बच्चा बाहर निकल गया तो टेंशन कम होती है कि अंदर क्या हो रहा, फिर तो
बच्चा है अपने पास, तो क्या दिक्कत क्या परेशानी हो तो इंसान झेल ही लेता है कि नहीं।